माय नेम इज़ मोहित हरजाई। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल शीट्स में SEO के इन एलिमेंट्स को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं H1 टैग से। हम एक नई शीट बना रहे हैं, इसमें H1 टैग, इधर आप पेज URL एंड यहाँ पर आपके H1 टैग एक्सट्रैक्ट होकर आएंगे। कोई भी साइट ले सकते हैं आप एग्जांपल के लिए, ट्राई करने के लिए। मैंने आपने यहाँ पे ये लिया, और ध्यान रहे कि आप पीछे ये स्लैश हटा दें, नहीं तो किसी किसी में प्रॉब्लम आ सकती है किसी वेबसाइट में, क्योंकि वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगी होती है, डाटा एक्सट्रैक्ट नहीं होता। मैं 4-5 यूआरएल डाल देता हूँ ताकि मैं आपको एक्सट्रैक्ट करके दिखा सकूँ बल्क में। यहाँ पे मैंने URL लिस्ट कर दी है। गूगल शीट्स में एक फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आप एक्सेल में नहीं कर सकते, ध्यान रखें। फंक्शन का नाम है इम्पोर्ट XML। ये आपसे 2 पैरामीटर्स मांगेगा। फर्स्ट में आपको URL प्रोवाइड करना है, सेकंड URL में ये मांगता है XPath क्वेरी। ये क्वेरी होती है जो कि हम HTML में मतलब समझ के टाइप करते हैं, ये डबल कोट्स में जाती है। अब हमें H1 टैग एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए हम डबल स्लैश डालेंगे। डबल स्लैश क्यों डालेंगे, वो इसलिए जैसे कि अगर मैं इसका व्यू सोर्स देखूं, यहाँ पे अगर मैं H1 सर्च करूं, ये रहा H1। डबल स्लैश से मेरा कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट H1 पे आ जाए, उसको व्यू सोर्स में जहाँ पर भी H1 मिले वहाँ पर पहुँच जाए। अगर मैं सिंगल स्लैश डालता हूँ, सिंगल स्लैश से क्या होगा कि मेरे को ऊपर से आना पड़ेगा, मतलब एक फ्लो में आना पड़ेगा, HTML हेड, उसके बाद बॉडी, उसके बाद H1 जी, तब भी वही एक्सट्रैक्ट होगी। बट अगर आप डबल स्लैश डालते हैं तो डायरेक्ट इस पर जा सकते हैं आप। डबल स्लैश डाल के एंटर मारें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि H1 टैग आ गया। अब आप इसको ड्रैग कर सकते हैं तो आपको बाकी URLs का भी H1 दिख जाएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में प्लीज़ पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि H1 कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारा पेज टाइटल। पेज टाइटल के लिए भी यहाँ पे हम बना देते हैं वही सेम फंक्शन यूज़ होगा, बट जो क्वेरी है वो अलग जाएगी। इम्पोर्ट XML URL आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, डायनामिकली आएगा ताकि ड्रैग करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। डबल क्वेट्स में क्वेरी, तो यहाँ पे टैग होता है हमारे पास टाइटल का, तो इसमें भी हम डबल स्लैश यूज़ करेंगे। टाइटल एंटर मारेंगे, आपको पेज टाइटल पॉपअप होके आ जाएगा। अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो बाकी URLs के भी पेज टाइटल आपको मिल जाएंगे। अगर हम ट्राई करें कि अगर सिंगल स्लैश से ही हमें अगर ये चीज़ चाहिए तो क्या फ्लो बनेगा, कि पहले आएगा HTML, पहले आ गया HTML स्लैश, उसके बाद आ रहा है हेड, हेड हेड के बाद ये मेटा है, ये अपना इंडिविजुअल है, ये इसके अंदर टाइटल इसके अंदर नहीं आ रहा, तो हम उसके बाद टाइटल डालेंगे। टाइटल और एंटर मारेंगे, तब भी वही सेम चीज़ मिलेगी। अगर आप डायरेक्ट डाल देंगे तो आप डायरेक्ट इस टैग पे पहुंच जाएंगे। अंडरस्टूड, इसको हम ट्रैक कर देते हैं। और हाँ, ध्यान रखें कि आप
को अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो आप सेलेक्ट ऑल करके कॉपी कंट्रोल वी पेस्ट वैल्यूज ओनली करें, क्योंकि ये फॉर्मूला है तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए आपके पास डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन लिख के नहीं उठा सकते, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत एक्सेल। तो आपको ये एरर देगा क्योंकि ऐसा कोई टैग नहीं है। मेटा डिस्क्रिप्शन जो होता है वो मेटा टैग के अंदर आता है। तो हम पहले मेटा को सिलेक्ट करेंगे डायरेक्ट मेटा। अब इसके अंदर मेटा हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, मेटा नेम गूगल साइट वेरिफिकेशन, कई तरह के। तो हमें कौन सा चाहिए? मेटा डिस्क्रिप्शन। तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, एट्रीब्यूट, क्योंकि इसका एट्रीब्यूट है, इसका एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट के लिए एट द रेट यूज़ करेंगे नेम इक्वल डिस्क्रिप्शन। बट इसमें भी अभी आपको प्रॉब्लम आएगी, एंटर मार के दिखाता हूँ आपको। इम्पोर्टेंट कंटेंट इज एम्प्टी, क्योंकि अभी हमने डिस्क्रिप्शन को सिलेक्ट करा है पर हमें चाहिए उसका कंटेंट। तो उसके लिए आप एक इसके अंदर जाएंगे, मतलब इस डायरेक्टरी के अंदर घुस जाएंगे, स्लैश मार के एट द रेट कॉन्टेंट चाहिए हमें, एंटर मारेंगे। सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, एक सेकेंड। ये जो आप एट्रीब्यूट का नाम देंगे उसको सिंगल कोट में देना, तभी आपका डाटा एक्सट्रैक्ट होगा। को हम ड्रैग करेंगे, बाकी चीज़ें भी आ जाएगी। तो आप इसको ड्रैग करेंगे तो बाकी यूआरएल के भी आप मेटा डिस्क्रिप्शन लोड कर लेंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास इमेज ऑल टैग। इमेज ऑल टैग के लिए मैं चाहता हूँ कि एक शीट अलग बना दूँ आपको प्रॉपर समझाने के लिए। यहाँ पे आएगा पेज यूआरएल, यहाँ पे जब हम एक्सट्रैक्ट करके लाएंगे यहाँ पे आएगा इमेज यूआरएल, यहाँ पे आपका आएगा इमेज और टैग। यूआरएल हम वही वाले कॉपी कर लेंगे, URL पेस्ट कर दें, यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे हम। इमेज के लिए आप रिसोर्स पे आए, IMG होता है टैग, तो पता ही होगा आपको मैक्सिमम बोलोग IMG। यहाँ पे हम डबल स्लैश करके सीधा टारगेटिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट टारगेटिंग IMG स्लैश। इसके अंदर हमें पहले एक्सट्रैक्ट करना है URL, क्योंकि URL के साथ हमें पता चलेगा कि इमेज उल्टा किसका है। URL के लिए होता है SRC, SRC एट्रीब्यूट को टारगेट करेंगे हम SRC और एंटर मार दें। यहाँ पे आपको इस फर्स्ट वाले की इमेजेस मिल गई, जितनी भी इमेजेस थी सेम प्रोसीजर वही रहेगा इमेज और टैग के लिए।
स्लैश इसमें होता है ओल्ट ALT, अगर जिसमें ओल्ट नहीं डला होगा तो उसमें आ जाएगा ब्लैंक। अब अभी हमारे दोनों वैल्यू बराबर हैं, मतलब दोनों कॉलम में सेम थे हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये इमेज है, इसमें अगर इमेज ओल्ट टैग ना होता तो ये ब्लैंक रहता, बाकी में वो आ जाता। सो ये है ट्रिक, ट्रिक कहेंगे या फंक्शन कह लीजिए, फंक्शन ही है वैसे तो, बट हम इसको एसटी इंडस्ट्री पे कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। H1 टैग पे स्टेटर मेटा डिस्क्रिप्शन इमेज। अब साथ ही साथ इस एलिमेंट्स के साथ साथ और भी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कैनोनिकल यूआरएल, इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स, सोशल प्रोफाइल्स और आप सर्च कर सकते हैं इसमें डू फॉलो लिंक्स कौन कौन से वो आप एक्सटर्नल में ही लगा सकते हैं। देखिए एक्सटर्नल के अंदर में आप डू फॉलो लिंक्स, नो फॉलो लिंक्स, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा, बट मैं इसके लिए एक शीट बना रहा हूँ अलग से, जिसमें कि सारे चीज़ें आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ी हुई मिलेगी। सिर्फ आपको वहाँ जाना होगा, यूआरएल को ओपन करना होगा शीट के, और वहाँ पे अपना यूआरएल डाल के ट्रैक करेंगे, आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। सो उस शीट का यूआरएल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको विजिट करें, और यहाँ पे फंक्शन आएगा उसको ओपन करने के बाद मेक अ कॉपी, तो आप अपनी ड्राइव पे उसको सेव कर लीजिए और इंडिपेंडेंटली यूज़ करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।